भगवान श्री कृष्ण के अनुसार असुरों का क्या स्वभाव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, असुर लोग कार्य कर्म में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य से कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण और न सत्य ही रहता है। तो उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर सम्भूतम किमन्यत काम हैतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए इसलिए केवल भोगने भोगों के लिए भोगने को भोग भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवा और है क्या। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टान मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है वे मंदबुद्धि अपकारी कर्मी केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। वे मनुष्य दंभ मान और मत से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए इस संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है। ये सभी आसुरी संपत्ति के प्राप्त पुरुष के लक्षण है। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में, आशा पास तैरबद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थ मन्याये नार्थ संचयान। आशा रूपी मतलब कि वो उनके अंदर तमाम प्रकार की आशाएं होती हैं, आशाओं से वो बधे होते हैं। काम क्रोध के परायण, उनमें नाना प्रकार की कामनाएं रहती हैं और उनमें क्रोध भरा रहता है। क्रोध के परायण विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अनान्य पूर्वक धनादि बहुत से पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए असामाजिक कदम भी उठाते रहते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शेष कल।